तो दूसरा ये कि जितनी देर वो मतलब आपके साथ उनकी डीलिंग चल रही हो ना, तब तक कोई बंदा मतलब अंदर बाहर ना आए। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उमर सईद फ्रॉम पाकिस्तान शहर लैलपुर चो ताड़ा अपना वीर ते मेरे नाल है जी आसम अंसारी सब पे भारी। तो दोस्तों अज असी फोन मिलान जा रहे हैं लाहौर दे अली भट्ट ते शान भट्ट दोवें जुड़वां भरा वा। तो तुसी देखिया होना अक्सर टिकटॉक ते या टीवी ते भी देखिया होना वा, वो दोवें जुड़वां भरा वा, ठीक आ। तो बड़े अच्छे दोस्त आ साडे, तो उन्होंने शुगर मेला लाने जा रहे हैं। उन्होंने ना कम हैगा वा शोरूम उन्होंने, यह जड़िया फैंसी लाइटा नहीं होंगे मतलब फनूस वगैरह फनूस वगैरह फनूस लाइटा मतलब हर किस्म की लाइट उन्होंने को जी है ना अवेलेबल होंगी है, बहुत कॉस्टली होंगी है। तो उन्होंने आप उस शोरूम से शुगर लान लगे हैं, तो चैक करते हैं जी। सताज जी उन्होंने फोन नहीं चकना, नहीं फोन तो चक लेंगे पर यह है कि डिस्टर्ब ना करे कि उन्होंने पिछे कोई मतलब कस्टमर वगैरह ये वो, बाकी ट्राई कर लें। हाँ वेले रहते 24 घंटे चक सकते हैं, दुकान तो वेले है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शान भाई, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ उमर भाई, आप सुनाए? ठीक है शुक्र अल्लाह का जनाब, क्या हो रहा था? उमर भाई बस शोरूम पे बैठा हूँ। अच्छा जी, काम शाम आपको पता ही है। चल माशाल्लाह माशाल्लाह, काम शाम कैसा जा रहा है भाई का? उमर भाई अल्लाह का शुक्र बेहतरीन, आप सुनाए सब ठीक ठाक? दुआएं दुआएं भाई जान। मैं आज बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो यार शान भाई से गपशप लगाएं। अच्छा हाँ जी, थैंक यू भाई जान, थैंक यू। और सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक। वीडियो शीडियो नहीं बना रहे आजकल आप? उमर भाई आजकल ना मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कंटेनर आए हैं। अच्छा अच्छा, बिजी हुआ हूँ, ठीक है स्टॉक सारा सेट करवा रहा हूँ इसलिए। अच्छा माशाल्लाह 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 सही। आज नहीं बस दुआएं आपकी फिट फाट। तो मैं बैठा हुआ था यार, वो मेरे ना जानने वाले हैं अजीज, उनका मुझे फोन आया, मैंने बताया था आपका ना उनको उनको आपका। अच्छा अच्छा, तो वो इधर उन्होंने मतलब बहुत बड़ा ना महल बनाया इधर फैसलाबाद में। अच्छा माशाल्लाह यार गुड। हाँ जी, तो मतलब वो सारा काम तकरीबन मैंने ही करवा के दिया क्योंकि उनको कोई जानता नहीं है, वो बाहर से आए थे अमेरिका से। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो मतलब सीमेंट बजरी ये वो उन्होंने मेरा ही सिर खाई रखा है। अभी भी उन्होंने फोन कर दिया, उनको काम था लाइटों से रिलेटेड, तो मुझे फोन कर दिया उन्होंने। उमर भाई एनी टाइम भाईजान, आप अपने शोरूम में जब मर्जी। हाँ जी बिल्कुल, मैंने बताया उनको, मैंने कहा कि यार वो अगर लाहौर में किसी के पास वैरायटी है ना तो वो शान भट्ट अली भट्ट वगैरह है। आज उमर भाई जब मर्जी ले आओ यार, आपके अपने आउटलेट्स हैं ना, हमारे तो आर्टिलेक्स ब्रांड है। हाँ जी एनी टाइम आए। बिल्कुल, मैं तो थोड़ा सा बिजी हूँ लेकिन वो ना फैमिली के साथ गए हुए हैं लाहौर। अच्छा, तो उन्होंने मुझे फोन किया अभी कुछ देर पहले, तो कहते यार वो आपका दोस्त है जो, उसका बताओ मुझे किधर एड्रेस है, तो एड्रेस बताना अपना थोड़ा सा। उमर भाई उनसे कहें ब्रिटन रोड पे आ जाए। अच्छा जी, उधर शहजाद ट्रेडिंग, शाद बिन अभी वकास एवेन्यू, फैंसी लाइट, बट ब्रदर ये सारे मेरी आउटलेट हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह सही। तो बात ऐसे है कि वो ना मतलब थोड़े से रॉयल टाइप फैमिली है। अच्छा, तो स्पेनिश में जाएंगे वो? पता नहीं किधर जाएंगे, वो उधर ही आएंगे जिधर आप कह रहे हो। नहीं मैं वो डिजाइंस की बात कर रहा। अच्छा 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 अच्छा, वो उसका तो मुझे नहीं पता, वैसे मैंने कहा वो आएंगे तो उधर ही आपके पास ही, स्पेनिश का तो नहीं। अच्छा भट्ट साहब, उनको ना पता क्या बात है, पहली दफा आना है तो आपको पता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो बहुत खर्चा किया उन्होंने महल पे। अच्छा हाँ जी, तो मैं हाँ जी बड़ा यार पैसा उनके पास, तो मैं उनको भेज देता हूँ। कितने को बजे भेजूँ जब आप मतलब फुल फ्री हो? भाई जान आप ऐसा करो, उन्हें कल तो ना भेजो, मंडे वाले दिन आप उन्हें भेज दो, 12 बजे भेज दो, 12 बजे मॉर्निंग में मैं फ्री होता हूँ उस टाइम। अच्छा 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 अच्छा, इंशाल्लाह मिल लेता हूँ। चलें, तो आपने पता क्या करना है कि जब उन्होंने आना ना जी, एक तो आपने उनको पूरा प्रोटोकॉल देना है, ठीक है। तो दूसरा ये कि जितनी देर वो मतलब आपके साथ उनकी डीलिंग चल रही हो ना, तब तक कोई बंदा मतलब अंदर बाहर ना आए। अच्छा
हाँ जी कोई बात नहीं, मेरा शोरूम बहुत बढ़िया, मैं ऑफिस में बिठा लूंगा। हाँ जी, मतलब शोरूम पे बिठा लेना, आप शोरूम बंद कर देना ना तब तक के लिए, ताकि वो अपने मतलब आपसे गपशप जो डीलिंग आपकी जो भी होगी। चलो जैसे कहोगे मैं क्लाइंट ही रोक दूंगा, लड़कों को कहूंगा ठीक हाँ है अभी जी थोड़ी देर के लिए रुक जाए, क्योंकि जी उन्हें अगर इतनी वैल्यू ही देनी है तो भी बात। जी बड़ी मेहरबानी। तो दूसरी चीज़ ये है कि वो ना उधर मतलब उधर आपके उधर जो बट कढ़ाई है आपके घर के पास, हाँ जी हाँ जी वो बड़ा पसंद करते हैं। जा रहा हूँ, मतलब भाई टेंशन ही नहीं है, बट कढ़ाई मंगा लेंगे ठीक है, यहाँ से वकाल बिरयानी है, कैरी होम रेस्टोरेंट है अपना, वहां से सब खाना आ जाएगा यार, ये तो कहने वाली बात है, नहीं नहीं फुल बस पे भी कर दूंगा बस ठीक है, मतलब अपने हिसाब से आपने 2-3 किलो वो कढ़ाई मंगवा लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद वो उनके साथ बच्चे भी होंगे तो मैकडोनल्ड की कोई डीलें वगैरह वो मंगवा लेनी है आपने। मंगा लूंगा कोई हाँ बात नहीं। जी, क्योंकि मैंने अच्छा बड़ा कि आपने बता दिया कि आपके लिंक है ना, तो वही चीजें आ जाएंगी, कोई मसला नहीं। हाँ जी, तो क्योंकि मैंने उनका बताया आपका बताया हुआ ना उन्हें कि वो मतलब आप ही हो लाहौर में ठीक है, कोई फैंसी मसला लाइट। नहीं ठीक है, हाँ जी उमर भाई बेफिक्र हो जाओ, फर्जी आदमी जी आप बिल्कुल। उन्हें भेजो, बस सामान सारा फिर हमसे ही लें। हाँ जी, वो इसी वजह से तो जान भाई आ रहे हैं आपके पास वो। ठीक हो गया, आपने उन्हें कह दिया ना, इंशाल्लाह हमारी वैरायटी भी बहुत अच्छी है, हाँ मैं जी हाँ इस जी चीज पे यही कहूंगा, डेफिनेटली अगर वो आएंगे तो वो जरूर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पर ये है कि सिक्योरिटी यार थोड़ी सी टाइट रखनी है आपने उस टाइम। भाई जान हमारे अपने गार्ड्स हैं, वो बाहर खड़े हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। हाँ जी, ये हुई ना बात। तो अच्छा, उनका ऑर्डर मैं ही बता दूं आपको। हाँ जी लेना क्या उमर भाई, उन्होंने स्पेनिश में जाना है ठीक है, मॉडर्न में जाना है, टर्किश में जाना है, किस में जाना है उन्होंने, जाना तो पता नहीं उन्होंने किधर है जान भाई, लेकिन नहीं नहीं तेरा कहने का मतलब कौन से फानूस लेने हैं। अच्छा, नहीं वो ये ऐसी बात ऐसी है कि उन्होंने ना लेने हैं 2-0 के बल्ब। क्या कह रहे हो 0 के बल्ब नहीं होते? यार उमर भाई, यार वैसे हाथ धोगी आपकी मजाक की यार, 0 के बल्ब लेने दो, कह रही क्या मम्मा इतना प्रोटोकॉल मेरे बड़ी पूरा मुंडा है, आप भी यार अजीब बंदे हो यार, मैं काम कर रहा था आप मेरे को मस्करी करी जा रहे, 0 के बल्ब लेने हैं, मैं उनको 10,000 का खाना खिला दूं, उनके बच्चों को मैकडोनल्ड खिला दूं, उन्हें मैं बंद प्लस्तर ना खिलाऊं इधर से, 0 के बल्ब लेने यार। तो बल्ब मतलब आपने देने हैं उनको, एक देना है नीले रंग का। भाई वैसे ज्यादती है यार आप भी ना, पहले मेरा इतना जेन बनाया, मैं समझा नया कंटेनर सारा इधर ही जाएगा, इतना बड़ा घर बनाया, बड़े दो ही लेने हैं, वो पता सुबह क्या ही बात सुबह है, रोशनी ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने ना घर जब बनवाया था तो उन्होंने डायरेक्ट चाइना से स्टॉक मंगवा लिया था, तो अभी उनका ना तो कल मतलब भी मंगा लेंगे, वो मेरे को नहीं लाने से। वो भी मंगवाए थे, लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उनके एक बाथरूम का और किचन का ना 0 के बल्ब 2 सड़ गए हैं। तो सड़े ही रहने दो, वो से सड़े हैं, तो मुझे ये उन्होंने बंदे हो कहा, यार कसम मुझे है, आपने मेरा आप जैसा बंदा ना, ये आपने मजाक जो मेरे साथ किया ना अच्छा नहीं किया। नहीं मजाक नहीं, मैंने आपका बताया हुआ है उन्हें। ओ भाई मेरा ना 200 रुपये और था, 200 पूरा लाहौर पे है, मेरे ही दसना थी दो 0 से मतलब मेरे को नहीं, दुआने ने 30 रुपये का मतलब तो 20,000 रुपये का खर्चा सुनाता, शोरूम भी बंद कर दो बल्ले यार, उमर भाई चोरी हो, शोरूम भी बंद कर दो यार, आज हो गई यार उमर भाई आपके लिए। मैंने बड़े मान से बताया आपका। नहीं आप अपना मान वापस ले लो, आप अपने मान से बताओ उन्हें कि वो कह रहे हैं मेरे वाले आने ही ना, बस मैं भेज रहा हूँ आपको मंडे को उनको। भाई जान उन्हें भेज दो, मैं उन्हें बांध लूंगा ठीक है, 2-0 के बल्ब दूंगा, लेकिन किधर दूंगा ये नहीं बताऊंगा। उनको ना इनवॉइस बना के देनी है कंप्यूटराइज। भाई जान मैं पहन ही बस 2 करोड़ से वो सौदा लेता है, तो सदके भारत ने तो इनवॉइस कंप्यूटराइज यार। मतलब जब तक आप उनसे मुकालमा चल रहा हो ना, कोई डिस्टर्ब ना करे आपको। हाँ जी हाँ जी, वो पहनी हुआ बल्ब जो है
मेरा ख्याल दो तीन कनाल पे बना है नहीं, वो लाहौर किसी काम पे आया, कोई उधर भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं वो। उधर भी दो बल्ब चाहिए ने। वो एक ही दफा के दो चार बल्ब ला लो। प्रोजेक्ट इनका प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, इन्होंने किसी खुडे का रोशन करना है। प्रोजेक्ट चल रहा ऐसे बंदों के प्रोजेक्ट मुझे ना बताया करो, प्रोजेक्ट आना बंदा बताओ, अपना भी टाइम बर्बाद किया और मेरा भी। देखे रेट आपने लगाना है मुनासिब। हाँ जी बल्ब नहीं है भाई, कितना 2 लाख का बल्ब आ रहा जीरो का, तो उसे मैं भाई मुफ्त दे देता हूँ, बल्कि मुझे एड्रेस बताओ मैं इधर से भेज देता हूँ। यार उमर भैया कैसी बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं अगर आप इधर से भेजेंगे तो फिर वो मतलब जो खाना शाना वो कैसे होगा फिर? खाना मैं उन्हें दरबार से पैक कराऊंगा। चाना। बड़ी रॉयल फैमिली है भट्ट साहब। बड़ी रॉयल फैमिली नजर ही आ रहा, कितनी की रॉयल है। दो बलंग लेने जो फैसलाबाद से टूरी है, पैदल आ रही है। कितने बजे भेजू ने भाईजान उन्हें? आप इतवार के दिन भेज दे, शोरूम बंद होता है। उनसे कहें एक आधा तो बाहर टूटा हुआ भी गिफ्ट मिल जाएगा उन्हें, जो अंपायर फेंक देते हैं वहां। डील डन होगी फिर, कोई बयाना वगैरह तो नहीं करना? चलो मैं उन्हें कह देता हूँ कि यार आप दो बल्ब ना लो, ठीक है? आप खाओ। नहीं 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 ऐसे तो नहीं ना यार, फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि यार आप दो बल्ब रहने दो, इतना बड़ा चक्कर भी लगाना है, आप तीन ले लो। कोई उमर सईद ने कोई कस्टमर ढूंढ लिया होगा, लेकिन ये चौल हरकत करने का फायदा मुझे भूल गया मैं कर क्या रहा था। यार भट्ट साहब मैंने शुगर लगाना था थोड़ा सा, बड़ी डिमांड कर रहे थे लोग के यार वो भट्टों के साथ ना वीडियो बनाओ प्रैंक कॉल, तो मैं सिर्फ वो शुगर आप ना सही नहीं किया, मैं समझा पता नहीं वाकई ना कोई इसका जानने वाला है। तो कोई इसमें फनूस लेने हैं बड़े, ठीक है माल भी आया अभी तो उसको दिखा देंगे। मैं कसमे लड़के को कहने ही लगा था अगर ये बकवास बल्बों के ना छेड़ती के यार जल्दी जल्दी माल लगाओ। मैंने कहा यार चलो शुगर लगाने बटाना थे ये सोया था। ये आपने इमोशंस के साथ खेला। यार शुक्र कर मैं भेज नहीं देता, नहीं तो उन्होंने 4-5 हज़ार लगा के फिर उन्होंने कहना सी दो बल्ब दे दियो। नहीं खाना मैं वैसे खिला दूंगा, लेकिन अगर कोई दो बल्ब मांगेगा तो फिर मैं उसके बदल से लूंगा। अच्छा जेडे लोगों ने डिमांड की है कि बटा दे नाल प्रैंक कॉल करो, उन्होंने की कहना चाहते हो तुम? यार जिन्होंने आपको डिमांड किया उन्हें मैंने ये कहना चाहूंगा कि भाई जी ने एहो जिहा मजाक से फीलिंग खराब हुई है मेरी, ठीक है, क्योंकि इसने मुझे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है, लेकिन ये मेरा भाई है तो इतनी देर बाद बात हुई है जी। और कसमे में बड़ा सीरियस था ये जे तू सीरियस ना ना होता तो मजा भी नहीं सी आना वीडियो। यार मुझे क्या पता कि 2 महीने बाद बंदा फोन करेगा और वो भी प्रैंक ही करेगा। तो मेरे चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? भाईजान सारे लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें जी, फॉलो करें और इनकी हर वीडियो शेयर करें, ये बहुत ही नाइस बंदे हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, ले आई सारा कुछ। तो दोस्तों ये था जी प्रैंक शान और अली भट्ट के साथ हमने किया थोड़ा सा शुगल, तो नेक्स्ट प्रैंक किसके साथ करना है कमेंट बॉक्स में बताएं और टॉपिक भी बताएं, टॉपिक तुम दस दे नहीं आया सानू आप ही लभने पेंदे आ ते आप ही सोचने पेंदे आ, तो सारे भरा जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के टॉपिक तो बंदे का नाम दसो ताकि अगला बार फिर औरते करिए ते इस चैनल नू सब्सक्राइब करो ऐ कर दियो लाइक लव यू ऑल।